स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग सेल में। हमने एक शॉर्ट डाला था और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया हुआ है, तो हम आज इसका पूरा डिटेल वीडियो बता के आपको समझाएंगे कि ये सब टोटल किस तरह से काम करता है आपके नॉर्मल सम वाले फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास मंथ वाइज कुछ अमाउंट है। हमको ये जानना है कि पर्टिकुलर मंथ में कितना हमने कमाया था, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर एक फिल्टर लगा लेता हूँ, तो ये फिल्टर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली क्या करूंगा कि एक ही महीने का मैं जानूंगा कि मेरे को एक महीने का टोटल कितना मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करे हुए हैं। तो पहला तो है हमारा सम वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा रेंज लिख क्या है। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, L4 से लेके L13 तक ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे जैसे हमने फिल्टर किया हुआ है तो L6 ही एक अवेलेबल है और एक L7 ही अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ L6 एंड 7 दिख रहा है, बट वो एक्चुअली वैसे है नहीं। इंटरनली अंदर फॉर्मूला पूरा ही सिलेक्ट कर लिया, बट जब आप फिल्टर करते हो तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बताता है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना होता है कि हमको यूज करना होता है सब टोटल। अब यहाँ पे देखिए, सब टोटल, सब टोटल में होगा क्या कि समझिए कि आपका एक आपके केस में भी अगर कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। समझिए कि मेरे पास मंथ वाइज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे महीने में कितना कमा रहा हूँ, ठीक है। फेब्रवरी महीने में मेरा फर्स्ट वीक में मेरा 75 कमाया था, सेकेंड वीक में मैंने 100 कमाया था। तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं वीक वाइज। तो अभी फेब्रवरी में 2 बार हमारे पास पेमेंट आया है, तो कितना टोटल आया था वो हमको जानना है। अब हम यहाँ पे देखिए, 100 प्लस 75 टोटल कितना हुआ, 175। अब ये 175 यहाँ पे है, बट ये नॉर्मल सम में अगर आप देखेंगे तो ये 4950 दिखा रहा है, जो कि सबका टोटल है। अब मैं फिल्टर निकालता हूँ, आपको यहाँ से ड्रैग करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सम 4950। अब यहाँ पे क्या है, सम फॉर्मूला आपको 4950 दे दिया है। अब हमारा सब टोटल का काम ये है कि आपको एग्जैक्टली मतलब कितना फिल्टर है उसमें से ही कैलकुलेट करके देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सब टोटल हमने लिखा, फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो इसको कि मैं आगे थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये रेफरेंस नंबर 9 है सम करने के लिए। इसका एक स्पेसिफिक आईडी समझिए, ठीक है, एक यूनिक आईडी बोलता हूँ मैं इसको। तो इससे स्पेसिफिक यूनिक आईडी समझिए। ये 9 जो है, 9 आप करेंगे तो उसको सम करेगा, 8 करेंगे तो कुछ और करेगा, 9 करेंगे तो कुछ और करेगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम सीधा फॉर्मूला ही लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू स्टार्ट करेंगे, सब टोटल। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सब टोटल टाइप कर दिया हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए, फर्स्ट अगर मैंने रेफरेंस नंबर 9 दिया था ना, तो 9 मैं समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर मैं 1 देता हूँ वो एवरेज करेगा, 2 देता हूँ काउंट करेगा, 3 देता हूँ तो काउंट ए, जो हमने काउंट ए वाला एक वीडियो अपलोड किया था और काउंट का भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, 4 मैक्सिमम इसका जो भी है वो कर देगा, फिर मिनिमम जो भी है वो कर देगा, 6 उसका प्रोडक्ट काउंट करेगा। ये सब हमको उतना जानना नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि एवरेज, काउंट, काउंटे, ओके, एंड सम, यही 3 चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा तो बहुत ही रेयर है कि जो यूज होता है। बट अभी के लिए फिलहाल आप ये समझो आपके जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है। आपको सम करना रिक्वायरमेंट है, आपको एवरेज करना रिक्वायरमेंट है, आपको काउंट करना रिक्वायरमेंट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज करो। अब मेरे हिसाब से मैं इसको सिर्फ टोटल करना चाहता हूँ, तो ये टोटल करने के लिए सम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या है, ब्रैकेट में मेरे को 9 देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 9 दे दे रहा हूँ एज ए रेफरेंस। तो मैं जैसे 9 दे रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैं इसको कामा दे दूंगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब टोटल करो, 9th का मतलब मेरा जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट करो, फिर कहाँ से करना है वो रेफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, रेफरेंस आईडी पूछ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पूरा रेफरेंस है, इसको कर लो आप कैलकुलेट। अब मैं कर देता हूँ इसको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। ये क्या रिजल्ट है, ये टोटल रिजल्ट है। अब मैं इसको फिर से आपको फिल्टर करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मंथ को चूज किया। अब इस बार हम लोग करते हैं कोई और मंथ, जून का करंट मंथ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ ओके। अब देखिए, 450725 हो गया आपका, 1175। बट यहाँ पे देखिए, सम में आपको टोटल दिखा रहा है, सब टोटल में आपको एक्चुअल जो अमाउंट है वो ही दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, वरना फिर डिसलाइक करिए। बट कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।